मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ। और इस सेशन में मैट्रिक प्रीपोजिशन टॉपिक का डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के टॉपिक में आपको सामने दिख रहा होगा कि हमारे टॉपिक का मेन वर्ड है क्या, टू एंड टुवर्ड्स। तो देखो, टू और टुवर्ड्स जो होता है ना, ये दोनों का हिंदी अर्थ यदि निकाला जाए तो कहीं ना कहीं दोनों का हिंदी अर्थ बिल्कुल एक जैसा आता है। ठीक है, और यही कारण है कि एग्जाम्स में यदि इससे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि वहाँ टू होना चाहिए कि टुवर्ड्स होना चाहिए। दोनों का यूज़ जो है वो डायरेक्शन के भाव में ही होता है। डायरेक्शन के भाव में यदि देखा जाए तो इनका हिंदी अर्थ होता है की ओर। इसका हिंदी अर्थ होता है की ओर, चूँकि बहुत हद तक दोनों का एक समान हिंदी अर्थ है। यही कारण है कि एग्जाम्स में स्टूडेंट्स लोग इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर कि एग्जैक्ट यूज वहाँ पर सेंटेंस में इन होना सॉरी टू होना चाहिए कि टूवर्ड्स होना चाहिए। तो चलो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ आज। तो लेते हैं टू और टूवर्ड्स, दोनों का हिंदी अर्थ देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग की इसका दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है की ओर। अब बात करें यहाँ पर टू की, देखिए यहाँ मैंने बोर्ड पे दोनों का डेफिनेशन लिख दिया है कि दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। तो टू में मैंने लिखा है क्या, इट डिनोट्स मूवमेंट, या डिनोट करता है गतिविधियों को, मूवमेंट को, टू अ फिक्स प्लेस और डेस्टिनेशन, किसी फिक्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, गंतव्य स्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं। शुद्ध हिंदी देखा जाए डेस्टिनेशन का तो होता है गंतव्य स्थान। गंतव्य मतलब क्या कि यदि मैं घर से बाहर निकला तो बाहर निकलने में मेरा उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है। मान लिया जाए मुझे कोचिंग जाना है तो मेरा डेस्टिनेशन वो हो गया हमारा कोचिंग, समझ में आई बात ना। यदि मैं पटना के लिए रवाना हो रहा हूँ तो मेरा डेस्टिनेशन हो गया पटना, यानी कोई प्लेस। ठीक है, तो इट डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स प्लेस और डेस्टिनेशन, या किसी फिक्स प्लेस या गंतव्य स्थान के मूवमेंट को डिनोट करता है कौन, टू। ठीक है, तो टू डिनोट करता है क्या, फिक्स प्लेस या डेस्टिनेशन के मूवमेंट। टुवर्ड्स की बात करें तो इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, यह क्या करता है कि हमारा जो मूवमेंट है किस ओर जा रहा है उसे डिनोट करने का भाव प्रकट करता है। मान लिया जाए मेरा डेस्टिनेशन पटना है तो वहां पर यूज करेंगे टू पटना, लेकिन हम कहेंगे कि किस रास्ते से मैं पटना जा रहा हूँ, तो पटना जाने का जो रास्ता मेरा है वो डायरेक्शन जो है, जो मूवमेंट वहाँ पर हम लोग का होता है, उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, टुवर्ड्स। ठीक है, तो पटना जाने का जो रास्ता है तो पटना की ओर, पटने के रास्ते की ओर, टुवर्ड्स पटना बोलेंगे तो क्या होगा कि पटना के रास्ते की ओर, लेकिन टू पटना बोलेंगे तो क्या होगा कि पटना जाना है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, टू का इट डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स प्लेस डेस्टिनेशन, एक फिक्स प्लेस या डेस्टिनेशन के की ओर जाने का जो मूवमेंट हमारा होता है उसे डिनोट किया जाता है टू से। ठीक है, जबकि इट टूवर्ड जो है इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो किस ओर हम जा रहे हैं, किस ओर हमारा मूवमेंट है उसे डिनोट करना हो तो यूज करते हैं क्या, टूवर्ड्स। अब चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको टू और टुवर्ड्स क्लियर करूंगा। और जो भी एग्जाम्पल मेरा दिया हुआ है बोर्ड पर, सारा एग्जाम्पल है जो एग्जाम बेस्ड ही है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी आधार पर मैंने दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ही वेंट टू अ स्कूल, और दूसरा है हमारा, पहला दूसरा को एक साथ लेके चलो, पहला है ही वेंट टू अ स्कूल, दूसरा ही वेंट टुवर्ड्स अ स्कूल। ये बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों का जो हिंदी अर्थ है वो कहीं ना कहीं अलग अलग होगा। कैसे, ही वेंट टू अ स्कूल का मतलब क्या कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ है, स्कूल की ओर है, स्कूल है, यानी एक फिक्स प्लेस है कि वह कहाँ गया, स्कूल गया। ठीक है, यानी यहाँ पर ये स्कूल गया तो टू भी हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनेशन मेरा फिक्स है, यहाँ एक फिक्स प्लेस पे मुझे जाना है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया मैंने टू। जबकि ही वेंट टुवर्ड्स अ स्कूल यदि बोलते हैं तो वह स्कूल की ओर गया, तो स्कूल की ओर से वो कहीं भी जा सकता है,
रास्ते में सिनेमा हॉल भी हो सकता है स्कूल की ओर में, रास्ते में शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, रास्ते में हॉस्टल हॉस्पिटल भी हो सकता है, रास्ते में पार्क भी हो सकता है। यानी कि ही वेंट टुवर्ड्स अ स्कूल यदि हम बोलते हैं ना, तो वह स्कूल की रास्ते की ओर गया, ये भाव होता है, ना कि वह स्कूल गया। वहाँ उसका फिक्स प्लेस नहीं है कि वह स्कूल ही जा रहा है, वह उस रास्ते में जा रहा था, गया था, ठीक है, गया। और उस रास्ते में बहुत तरह की दुकानें आ सकती हैं, बहुत तरह की जगह आ सकती है, वह कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं क्या, टुवर्ड्स। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। हम बोले क्या, ही वेंट टू अ स्कूल, मतलब वह स्कूल गया, लेकिन हम बोलेंगे ही वेंट टुवर्ड्स अ स्कूल, तो वह स्कूल की रास्ते की ओर गया। अब स्कूल के रास्ते की ओर गया, तो स्कूल के रास्ते की ओर में बहुत सारी जगह हो सकती हैं, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, कोई सिनेमा हॉल भी हो सकता है, कोई मार्केट प्लेस भी हो सकता है, कोई पार्क भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। यानी बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, हमारा ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। कुड यू टेल मी द वे टू ऑब्लिक टूवर्ड्स द स्टेशन, क्या बोला मैंने, कुड यू टेल मी द वे टू या टूवर्ड्स द स्टेशन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन किधर है। मान लिया जाए आपसे कोई पूछता है स्टेशन के बारे में कि स्टेशन किधर है, तो आपसे स्टेशन का रास्ता देखिए एग्जैक्ट देखा जाए वहां पर, तो आपसे स्टेशन का रास्ता नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा स्टेशन किधर है, ठीक है। क्योंकि उस आदमी का वह स्टेशन जो है वो फिक्स प्लेस है, वहाँ एग्जैक्टली वह आदमी ये पूछेगा कि स्टेशन किधर है, ये नहीं बोलेगा कि वो स्टेशन का रास्ता मुझे बता, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है ना कि उस आदमी का वो फिक्स प्लेस है, कहाँ जाना है उसे, स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाना है उसका एक फिक्स प्लेस है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर फिक्स प्लेस की बात हो या डेस्टिनेशन की बात हो तो वहाँ पर यूज़ करना है किसका, टूर का, कभी भी टूवर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। यानी यहाँ पर जो हमारा है टूवर्ड्स गलत हो जाएगा, आंसर हमारा होगा क्या, टू, ठीक है। फिर से समझो इस बात को, कुड यू टेल मी द वे टू या टूवर्ड्स द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन बता सकते हैं, स्टेशन किधर है, ठीक है। कोई भी आदमी जब आपसे पूछेगा तो वह स्टेशन डायरेक्ट पूछेगा कि स्टेशन किधर है, ये नहीं पूछेगा कि स्टेशन का रास्ता किधर है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आदमी आपसे पूछता है तो पूछेगा कि स्टेशन भाई किधर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या है ना कि उस आदमी का एक फिक्स डेस्टिनेशन है, एक फिक्स प्लेस है कि उसे कहाँ जाना है, स्टेशन जाना है, स्टेशन की रास्ते नहीं जाना है उसको, तो स्टेशन जाना है। तो जहाँ पर एक फिक्स प्लेस हुआ, जहाँ पर भी एक फिक्स प्लेस आया या डेस्टिनेशन आया, ठीक है, तो वहाँ पर यूज कर देना है किसका, टू का। यानी यहाँ टू वर्ड्स गलत होगा, यहाँ आंसर हमारा होगा क्या, टू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ स्नेक वाज कमिंग टू ऑब्लिक टुवर्ड्स मी, एक सांप जो है मेरी ओर आ रहा था। अब इसको देखना क्या है ना आपको, कि सांप के लिए आप क्या डेस्टिनेशन है, ये देखना इस बात को, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। सांप जो है, सांप के लिए आप डेस्टिनेशन है, नहीं, सांप आपकी ओर आ रहा था, ये नहीं कि आप सांप है जो आपसे मिलने आ रहा था, ऐसा नहीं ना है। सांप आपसे मिलने क्यों आएगा, आप अलग हैं, सांप अलग है, आप अलग जीव है, वो अलग जीव है, तो सांप है जो आपके पास नहीं आ रहा था, सांप आपकी ओर आ रहा था, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अ स्नेक वॉज कमिंग टू या टूवर्ड्स मी, सांप मेरी ओर आ रहा था, ये इसका सही बात होगा। ये नहीं कहेंगे कि सांप मेरे पास आ रहा था, सांप आपके पास नहीं ना जाएगा, ठीक है, सांप आपकी ओर जा सकता है, ऐसा नहीं ना कि आपसे मिलने जाएगा सांप, ऐसा तो नहीं है। मिलने को जाता तब टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, सांप आपकी ओर आ रहा था, यानी कि यहाँ पर कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन उसका डायरेक्शन बतला रहा है कि वह किधर आ रहा है, वह आपकी ओर आ रहा था, ठीक है। तो आपकी ओर आ रहा था, जहां पर डायरेक्शन और मूवमेंट बताना हो वहां पर नो डाउट हम यूज करते हैं किसका, टूवर्ड्स का, ठीक है, वहां पर टू का यूज नहीं करते हैं। तो अ स्नेक वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, सांप मेरी ओर आ रहा था, न कि सांप मुझसे मिलने आ रहा था, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ही टर्न्ड टू ऑब्लिक टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है, वह मिरर की ओर मुड़ा या मिरर के पास मुड़ा। यहाँ पर देखना है कि क्या होना चाहिए, कि उस आदमी का यानी कि ही का
यहाँ पर कोई फिक्स डेस्टिनेशन है क्या? यहाँ ही का कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, नॉर्मल सी बात है। आप खुद घर में रहते हैं, घर से कहीं निकलने के लिए रहते हैं या फिर घर में ही रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो मिरर दिखता है तो एक झलक अपने आप को देख लेते हो, ये होता है, नॉर्मल सी बात है, सभी लोगों के साथ होता है ऐसा। तो होता क्या है ना कि ये ही का कोई डेस्टिनेशन मिरर नहीं है, ठीक है। डेस्टिनेशन में हमेशा क्या आना चाहिए, एक फिक्स प्लेस आना चाहिए। तो यहाँ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, वह उधर की ओर मुड़ा, मतलब कि नॉर्मल सी बात है, कुछ काम में मैं कुछ काम ही कर रहा हूँ, अचानक से मिरर दिख गया तो मैं उसकी ओर मुड़ गया, तो वहाँ पर उसकी ओर मुड़ा तो वो मेरा डेस्टिनेशन नहीं हुआ, वो कोई फिक्स प्लेस नहीं हुआ, ठीक है। तो जब फिक्स प्लेस नहीं रहेगा तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपको बताइए टू का यूज होगा या टूवर्ड्स का। जब फिक्स प्लेस होता है तो वहाँ तो हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, यानी कि उसकी ओर मुड़ा, यानी मिरर की ओर मुड़ गया, तो वहाँ पर यूज होगा किसका, टूवर्ड्स का, यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। मेरे ख्याल से इतना से आप लोगों को बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा टू डिफरेंस बिटवीन टू एंड टूवर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं, ही वॉक टू ऑब्लिक टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ वॉक देते हैं ज्यादा अच्छा होगा। He walked to the tail, to oblique tail, the end of the street. देखो यहाँ समझना है आपको, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने दे दिया यहाँ पर, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने दिया है। क्या है कि he walked, वह टहला, to the या till the end of the street. What is the difference between to and till? ठीक है, टू और टिल में क्या डिफरेंस है ये देखना है। दोनों डायरेक्शन के लिए होता है, टू का भी यूज हम डायरेक्शन के लिए करते हैं और टिल का यूज भी हम डायरेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम। क्या मैं बोला, टिल इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टाइम, टिल का यूज हम टाइम के सेंस में करते हैं, समय का यदि भाव प्रकट हो तभी हम टिल का यूज करते हैं। यानी टिल का यूज किया जाता है किसमें, जब हमारा किसका भाव प्रकट हो, टाइम का भाव प्रकट हो, समय का भाव प्रकट हो। जैसे हम कहते हैं टिल 4 o'clock, टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, ऐसा कभी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जैसे हम कहेंगे ही वॉक्ड, जैसे एग्जांपल देते हैं, ही वॉक्ड टिल मॉर्निंग, वह सुबह तक टहला, तो सुबह तक टहला, तो ये तो हमारा मूड टाइम बता रहा है, तो टाइम बता रहा है, तो टिल यहाँ क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट या टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो ये स्ट्रीट जो हमारा है, जहां पर गली खत्म होती है वहां तक वह टहला, तो ये कोई समय नहीं ना है, ये कोई प्लेस है, और जहां भी प्लेस की बात हो वहां पर यूज करना है किसका, टू का, न कि टिल का। यानी यहाँ हमारा टिल नहीं होगा बल्कि आंसर होगा क्या, टू, क्लियर, यहाँ आंसर हमारा होगा क्या, टू। नेक्स्ट आते हैं, सेंड द पार्सल टू ऑब्लिक एट माई एड्रेस। थोड़ा सा इस सेंटेंस को बढ़िया से देखिए, और ये सेंटेंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं इसलिए मैंने दिया है, एट और टू, ये दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है ये देखना है। At और to जो है ये दोनों जो है फिक्स प्लेस को ही बतलाते हैं, यानी at भी हमारा फिक्स प्लेस बतलाता है और to भी हमारा फिक्स प्लेस बताता है, ठीक है। लेकिन यही कारण है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती होंगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको मैं क्लियर करूंगा कि सेंड द पार्सल टू या एट माई एड्रेस। तो टू और एट, इन दोनों का यूज होता है डायरेक्शन बतलाने में। बोथ आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन इन फिक्स प्लेस बतलाने में, यानी बोथ आर यूज्ड इन फिक्स प्लेस। तो टू का भी यूज फिक्स प्लेस में होता है, एट का भी यूज फिक्स प्लेस में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जो देखना है कि दोनों में देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि वहां पर एट होगा कि टू होगा। तो देखिए यहाँ एक वर्ब आया है सेंड, ठीक है,
तो जब भी सेंटेंस में सेंड का ही वी टू फॉर्म होता है सेंड, तो सेंड 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 कोई भी रहे, ये सारे वर्ब जो हैं अपने साथ हमेशा क्या रखते हैं, टू, कभी भी एड्रेस नहीं होता। क्या है ना कि ऐसे सेंटेंस में एड्रेस जब हम देखते हैं तो एड्रेस तो मेरा फिक्स प्लेस है, और वहां पर फिक्स प्लेस की बात हुई तो लोग लगा देते हैं टू, ठीक है, सॉरी एड्रेस हमारा फिक्स प्लेस है, तो फिक्स प्लेस है तो यहाँ पर यूज होता है किसका, टू का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहले वर्ब हमारा आया सेंड, और सेंड अपने साथ हमेशा टू रखता है, कभी भी सेंड अपने साथ एड नहीं रखता है। और दूसरी बात है, एड्रेस देखकर ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है यहाँ पर कि ये छोटा सा जगह है, मेरा एड्रेस क्या है, छोटे से जगह पर है, तो एक छोटे से जगह के लिए तो एड भी यूज होता है, लेकिन एड तो यूज होता है मानते हैं छोटे जगह पर, लेकिन इससे पहले देखिए कि वर्ब हमारा सेंड आया है, और सेंड के किसी भी फॉर्म के साथ यूज होना चाहिए किसका, टू का, कभी भी एट का नहीं होना चाहिए। आंसर हमारा होगा क्या, टू, सेंड द पार्सल टू माय एड्रेस, पार्सल को मेरे एड्रेस पर भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ही वेंट टू द पार्क, और ही वेंट टू अ वेंट फॉर अ वॉक, ये दो सेंटेंस मैंने दिया है एक साथ, तो वह वो का हम तीनों रूप लेते हैं, तो गो का होता है क्या, गो, वेंट और गो, ठीक होता है, और ये तीनों वर्ब के फॉर्म जो है गो के, ठीक है, ये अपने साथ नो डाउट टू रखते हैं, ठीक है। गो के सारे वर्ब जो है अपने साथ हमेशा टू को रखते हैं, बट टू तभी रखेंगे, ठीक है, जब आगे कोई प्लेस हो, ये भी ध्यान देना है कि गो के तीनों रूप जो है अपने साथ क्या रखते हैं, टू, लेकिन ध्यान क्या देना है कि टू तभी रखेंगे जब आगे कोई क्या हो, प्लेस हो। देखो यहाँ प्लेस है, ही वेंट टू द पार्क, ये पार्क हमारा क्या है, एक प्लेस ही तो है। दूसरी बात है ही वेंट फॉर ए वॉक, यहाँ पर क्या है, वॉक हमारा प्लेस है, नॉट प्लेस है, ये प्लेस नहीं है, तो प्लेस नहीं है तो यहाँ पर हमारा यूज क्या होता, फॉर, यानी कि ही वेंट टू द पार्क, ये सही है, और वेंट फॉर ए वॉक ये भी सही है, यानी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जब प्लेस की बात हो तो प्लेस की बात हो तो वहां पर हमेशा टू रहेगा, गो, गो वेंट गोन के साथ, और जहां पर बात हो प्लेस की ना, उस समय होगा वहां पर क्या, फॉर, क्लियर। अब मैंने लास्ट में एक रूल दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि ही वेंट ब्लैंक अब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश जाना, विदेश, ठीक है, तो यहाँ भी तो कोई प्लेस ही दिख रहा होगा आपको, ऐसा लगता है स्टूडेंट को एब्रॉड है मतलब विदेश है, तो विदेश है मतलब कोई ना कोई तो प्लेस होगा ही वहां पर, तो प्लेस है, यही कारण है कि ही वेंट के साथ लगा देते हैं टू एब्रॉड, तो फिक्स प्लेस तो है बाबू, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो कि एब्रॉड जो है ये अपने साथ किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं रखता है, abroad does not take any preposition in any sentence, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, no preposition, तो ये हमारा exception, ये हमारा exception है, अपवाद है, generally एक fixed place होता है तो वहाँ पर हम to का use रखते हैं, लेकिन जब fixed place ना हो वहाँ पर तो वहाँ पर हम फिर towards का use करते हैं, तो he went blank abroad यदि बोले तो abroad तो हमारा विदेश है, वो भी एक fixed place ही है, fixed place उसको नहीं मान सकते हैं, कारण कैसे, abroad में विदेश जा रहा है, लेकिन विदेश में कहीं भी जा सकता है, अमेरिका जा सकता है, फिर चाइना जा सकता है, थाईलैंड जा सकता है, हांगकांग जा सकता है, कोई फिक्स जगह नहीं ना है, abroad गया विदेश, लेकिन वहाँ पर कोई फिक्स प्लेस नहीं है, ठीक है, तो अब्रॉड में यहाँ पर जब भी ध्यान दीजिएगा कि अब्रॉड के पहले किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, सीधा सीधे होगा ही वेंट अब्रॉड, ठीक है, वह विदेश गया। तो मेरे ख्याल से इतने देर में आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन टू एंड टुवर्ड्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, कुछ कमेंट भी करें जिससे सारे टीचर्स लोगों को इनकरेज मिलता है, मुझे भी इनकरेज मिलेगा, ठीक है, इसी के साथ मैं अपने क्लास को ऑफ करता हूँ, थैंक यू।